मैंने जैसी जीभ बाहर निकाली मुझे पूरा नमकीन टेस्ट आया। रास्ता और अंधेरा जहाँ पे दिख जाएगा अच्छा कर डाल दे। पागल नंबर एक, पागल नंबर दो, हाँ पागल नंबर। आज का व्लॉग स्किप कर सकते हैं। ये इतना हलकट बंदा है। 6000 के जूते थे, इसके लिए लंबा कितना भी जाओ चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATG व्लॉग्स। बहुत सालों के बाद, बहुत अरसों के बाद आपका इस वीडियो में स्वागत है। आई नो कि बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे, बट कोई नहीं, आज वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं जा रहा हूँ पुणे। मेरे चैनल पे दो डेस्टिनेशन के वीडियो आपको देखने मिलेंगे, एक तो पुणे या तो अमरावती, उसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। एंड सीरियसली, अभी पुणे में इस बार ट्रेन से जाने वाला था। पुणे जाने के दो रीज़न है, एक तो दोस्त का काम है एंड दूसरा मतलब दोस्त को मिलना है। एंड मेन मतलब रामदारा टेम्पल जो पिछले बार हम लोग का रह गया था ड्यू टू टाइमिंग्स, वो इस ट्रिप में पूरा करना है, वो डिसाइड हुआ है हम तीनों का। हम तीन मतलब मैं, मयूरेश और चिन्मय, ये दो नमूने दोस्त हैं मेरे। एंड बहुत मज़ा आता है उनके साथ रहने में, फुल पागलपन, फुल मस्ती रहती है। सो होपफुली ये ट्रिप में ऐसा ही आपको सब कंटेंट देखने मिले, पागलपन मस्ती। मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन वो होता नहीं है, और जो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ वो ऐसे ही होता है यार। अभी टॉप बॉक्स में सारा सामान लोड करना है एंड उसके बाद खाना खा के निकलना है। मैं तुम्हारा मयंक और आपका मयन। सॉरी, गोप्रो का बहुत गंदा जुगाड़ करके रखा है मैंने, ये टूटा हुआ है, MCL लगा के रखा है उसको। गर्मी हो रही है बहुत। चलो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। बारिश चालू हुई थी बहुत ज़ोर से, लेकिन अभी कम हो गई है, इसके लिए नो टेंशन। पेट्रोल है लेकिन सेंसर का कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए दिखा नहीं रहा है। क्या लगता है, क्या इस बार रामदारा टेम्पल हो पाएगा? संडे सुबह का प्लान है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड निकलते हैं अभी राइट पे। ब्रेक पैड भी चेंज कर लिए थे कल, इसके लिए अभी टेंशन नहीं। मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट इज दिस वन, लेफ्ट साइड का सिग्नल लगा रहता है, ग्रीन सिग्नल रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ऐसे, उनको अटका नहीं है। ये दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कभी ये दिन आएगा, कभी ऐसे बाइक निकालेंगे। पुणे तो पुणे एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स भी है तो उनसे भी मिलना होता है, एंड मयूरेश चिन्मय है तो उनसे भी मिलना होता है। ये साइड में अभी बारिश नहीं, इसके लिए अच्छा है, क्योंकि बारिश की जो रास्ते में पानी पड़ा था वो सारा मुँह पर आ रहा था। और अभी मैंने जैसी जीप बाहर निकाली मुझे पूरा नमकीन टेस्ट आया। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लाइनर जो पहना है मैंने बारिश के लिए, क्योंकि मेरा नसीब आपको बताता हूँ, मैं इतना अलग है ना, मतलब लाइक छाता लेके या रेनकोट पहन के अगर मैं निकलूँ ना बारिश बंद, और जैसे ही रेनकोट घर पे भूलूँगा या नहीं पहनूँगा वैसे ही बारिश चालू। इसके लिए मुझे ये वाली राइड थोड़ी कोरडी करनी है, मतलब सूखी करनी है, इसके लिए फिर मैं रेनकोट पहन के निकला हूँ। मतलब मुझे मालूम है बारिश नहीं आएगी। मुझे एक बात भूलनी नहीं है कि मेरा वो स्टैंड लगा के रखा है ग्रीन स्क्रीन का, वो आजू बाजू में किसी को लगे ना ये भी मुझे ध्यान रखना है। वो मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए कि वो भी है बाबा। नहीं मस्त है, ऐसी बारिश हो रही है अभी, और GoPro का जो एडाप्टर है उसका प्लास्टिक निकल गया है। यहाँ के जो वर्कर है वो सेलो टेप देंगे, उसके बाद उसको प्रॉपर फिट करेंगे, क्योंकि अगर ये गया, अगर एडाप्टर
एडाप्टर गया तो फिर खर्चा बहुत है, बहुत। ये देखो रेन लाइनर का कमाल देखो, दिख गया मैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं क्या करता हूँ बाइक पे, तो ये सब एडवेंचर करता हूँ और मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। फिर रहता है अलग अलग शौक, बाकी कुछ नहीं। बहुत ज़ोरों से बारिश आई है और विजिबिलिटी अभी जितनी है उतने में जितना आगे जा सकते चले जाते हैं, बाद में आराम आराम से चले जाएंगे या रुक जाएंगे किधर, कोई घाई नहीं है, पुणे ही जाना है। लाइट तो अपने पास वैसे बहुत है अभी। ओ ये झटके नहीं मारनो, पूरा गीला हो चुका हूँ मैं और मज़ा बहुत आ रहा है। अभी मेन टास्क रहने वाला है लोनावाला घाट, ठंडाला लोनावाला जो घाट है उसमें कितना फॉग मिलेगा आई डोंट नो। मैंने अभी मयूरेश को फ़ोन किया था, वो बोल रहा है पुणे में बिल्कुल बारिश नहीं है। सो आई सीरियसली डोंट नो। पहुंच गया हूँ और यहाँ से और करीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा वाकड़ पहुँचने के लिए। अभी जैकेट निकाला तो हल्की हल्की अभी ठंड लग रही है क्योंकि पूरा मैं कंटिन्यू गीला होके आया हूँ, ऐसा मस्त हो रहा है। जैकेट पहनने के बाद कुछ नहीं लग रहा है, बट अभी यहाँ पे अभी रुका हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे क्योंकि बहुत तगड़ी भूख लगी है और सुसु भी लगी है, तो सुसु आगे जाके कभी तो करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम का फैसिलिटी नहीं है। रास्ता और अंधेरा जहाँ पे दिख जाएगा अच्छा कर डाल देंगे। बस मज़ा आ रहा है, ये अलग एक्सपीरियंस था सच्ची में बोलता हूँ। इसके पहले मैंने बारिश में, इतने बारिश में कभी राइड नहीं की, पूरे जूते में पानी, अंदर शर्ट गीला हो गया, पैंट तो रेन पैंट तो है ही नहीं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और अभी बैटरी भी चेंज की क्योंकि GoPro की बैटरी का इशू क्या है क्या मालूम नहीं मेरे को, बहुत इरीटेटिंग होता है लेकिन एक टाइम के बाद। बहुत लंबा ब्रेक किया मैंने यहाँ पे, ये नहीं लिया, बहुत लंबा ब्रेक लिया और अभी मयूरेश से बात हुई है, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, उसके रूम पे जाके चेंज करके फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। अयो ये बहुत चिपचिप चिपचिप हो रहा है, जल्दी जल्दी पीने कवर करते हैं। और एक बात और एक अपडेट, इसके अडेप्टर में GoPro के माइक के अडेप्टर में पानी आ रहा था इसलिए अभी इसमें ऑडियो नहीं आ रहा था। अभी मालूम नहीं आ रहा है कि नहीं, मैंने चेक किया पहले एक क्लिप तो चालू तो था। धरने का कैमरा ये चिन्मय, किधर है चिन्मय? टॉप बॉक्स एक्सचेंज मारते ना अपन? नहीं नहीं पूरा गीला करने के बाद A few moments later. पागल नंबर एक, पागल नंबर दो है इकड़े। हाँ है पागल नंबर, पहले ये दो पागल थे अभी तीसरा भी ऐड हो गया, मजा आने वाला है। मयूरेश है, चिन्मय है, जल्दी से इसको आपने देखा रहेगा वीडियोस में, इसको पहली बार देख रहे हो? मैं फर्स्ट टाइम पीछे बोला हूँ। रामधारा अभी करना है इस बार क्योंकि लास्ट टाइम पुणे में रह गए, इसको टाइमिंग नहीं मालूम। बड़े भैया मुंबई से हमारे लिए बारिश लेके आए और मेरे को बारिश से
मैं इधर आया, बारिश लेके आया, घर पे आया, बारिश बंद हो गया, अब ये भीग गया, उसमें मेरी क्या गलती है भाई? मतलब 5 मिनट के लिए भिगा दिया। एडिटर से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी गाली गलो छुई, सो वो सेंसर कर देना भाई। एडिटर पे चलिए। A few moments later. ये इतना हलकट बन रहा है। हाँ, जिस भी होटल में हम लोग जा रहे हैं उधर कुछ ना कुछ एक तो प्रॉब्लम आ रहा है। पहले होटल में गए हम लोग, वहाँ पे ऑर्डर ही नहीं लिया हमारा, रुको रुको करके, इसकी वैल्यू है बहुत, इसके लिए ऑर्डर ही नहीं लिया। और दूसरी इधर आए, दो मसाला पापड़ बोला, एक ही मिला। जान बुझ के कर रहा है ये बंदा। अभी अब कहानी का दूसरा पार्ट बताते हैं हम। मैं और ये आदमी, हम जब हमेशा आते हैं ना, तो वी गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, वी गेट द बेस्ट फूड। बट ये जो बंदा है, एक तो ये आते ही क्या बारिश लेके आया बंदा, इस पर मेरे को भरोसा है थोड़ा। सच सच बता, ऐसा होता है हमेशा? हमारा वो अड्डा ही है बेसिकली। सांगली में आने के बाद हम मोस्टली उधर ही खाना खाते हैं। आज उस पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लोड था, इसलिए वो हमको प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी नहीं दे रहा था। अभी हम इधर आ गए, इधर हमको दो पापड़ मिलता है, एक पापड़ मिला ही नहीं। और हम लोगों के साथ धोखा ऐसा हुआ कि हमने पापड़ जाते हुए देखा है। मतलब इसका किया जा रहा है ये सब? अरे तेरा ही है सर। मैं तो नहीं, मेरा तो पता नहीं, तू जरूर नहीं। पहली बार मैं होटल में आता, ये होटल ढूंढने का, उसके बाद तेरे को लेके जाएंगे साले पुणे में आके। अब इसको सांगवी से कोथरूड उठा रहे, कोथरूड में इसको सब कुछ खिला रहा अपन। एक तो मैं इतना गीला हो कि इसके घर पे आया, इसको बुलाया कि इधर आ जा कोथरूड में, नहीं आया। पानी से, बारिश में गीला होके मैं आया। ब्रांडेड एंड जादू कैमरा का खौफ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। दो पापड़ आ गया अभी तो। जुगाड़ है, ठीक है, छोटे नहीं, ठीक है, जो भी है चलेगा चलेगा। पूरा मेरा है। चल 30 सेकंड है तेरे पास, 30 सेकंड में पी ले, चल पी ले, पी ले, अभी थोड़ा सा फोटो सेशन होगा तीनों बाइक्स का। कैसा खड़ा किया है मैंने मेरा बाइक। हाँ, सीधा रखता हूँ मैं। इसमें मेरे राइडिंग शूज है। इसका फोन बहुत खतरनाक है। देखो, अगर राइड के टाइम पे कोई अगर गलत चीज या हादसा नहीं होता है तो राइड पूरी नहीं होती है मेरी। वही सेम केस हुआ, मैंने क्रैश गार्ड को जूते की थैली लगा के रखी थी, राइडिंग बूट्स की वो भी, और वो बीच में कहीं तो गिर गई। अब नसीब से मैं चिन्मय और मयूरेश ढूंढने निकले तो मयूरेश भाई को मिली। सो बहुत बहुत थैंक यू आपको, और आपको भी थैंक यू, बड़ा शुक्रिया, क्योंकि ये अपने काम में लग गया था, ये भी अपने काम में था, बट टाइम निकल के आए। या ईशान, मैं नहीं भूल सकता तुम्हारा। अरे सर, आप मुंबई छोड़ के पुणे आए, वही बड़ी बात है हमारे लिए। और अभी सर फिर से जाना है घर पे जाने के बाद याद आया मुझे कि अपना थैला गायब हो गया है, और फिर से इतना लंबा आना पड़ा। बट 6000 के जूते थे, इसके लिए लंबा कितना भी जाओ चलेगा, क्योंकि ये मालूम था कि इसके घर से अपने घर तक किधर तो गिरा है। चलो बाय बाय भाई, ये मेरी गाड़ी चलाएगा, मैं इसकी चलाऊंगा यार। चलो अभी घर पे जाने का टाइम आ गया है,
नहीं तो मेरे को घर पे नहीं लेंगे। तो ये वीडियो मैं अभी यही पे एंड कर दो। ए बाबा चलो एंडिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं कल के ब्लॉग में पागलपंती के साथ। आज का सिर्फ ट्रेलर था। ये बता एक फ्रेम में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आ रहा है। इधर गया? हाँ आ रहा है। ये 6 फीट के ऊपर है इसके लिए जल्दी समझ में नहीं आता है।